हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की जो ये बुक है नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 3C के अब ये वाले जो पार्ट्स है, ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये करने जा रहे हैं, जो कि एक ही कैटेगरी के है। और वो कैटेगरी कौन सी है? वो है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब जिसके अंदर ए, बी और सी ये तीनों तीनों जो कोफिशियंट्स है, जिसमें ए है वो एक्स स्क्वेयर का कोफिशियंट है, बी है वो एक्स का कोफिशियंट है, और जो सी है वो कांस्टेंट टर्म है। ये तीनों के तीनों ही पॉजिटिव है। तो इस कैटेगरी के पहले 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब आगे के 6 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन बच जाएंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी हो सकता है। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के जो है 6 क्वेश्चंस डाले हैं। ये कैटेगराइज मैंने कर रखी है ए बी सी डी, 4 कैटेगरीज के अंदर इस पूरी एक्सरसाइज को डिवाइड किया है, जिसमें से अभी हम जो कर रहे हैं वो ये वाली कैटेगरी है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए कैटेगरी के ये वाले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, जो कि 5 क्वेश्चन हैं, राइट। अब आगे के 5 क्वेश्चंस जो मैंने इसको इसकी सॉर्टिंग की है वो करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन को हम करते हैं, लेट अस डू। तो अभी हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 है। सीरियल में तो ये 1 2 3 4 5 6 आपको नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के क्वेश्चंस के लिए, और जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये नंबर जो आपकी बुक के अंदर है वे वाले हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 13, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 5√5x। अगर आपने इससे पहले वाली एक्स जो पहले वाला जो वीडियो है वो आपने अच्छे से समझ लिया है, तो ये क्वेश्चंस अभी आप मत समझिए और इसको एक असाइनमेंट के तरीके से कीजिए और ख़ुद ही सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, और अगर ना आए तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो फिर अभी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास जो ए है वो है 1, ए जो है वो 1 है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वेयर लिख रखा है, तो ये जो है ये हमारा हुआ 1। बी है वो है 5√5 और जो सी है वो है 30, ठीक है। हमें निकालना है ए सी की वैल्यू, तो सिंपल ए तो 1 ही है, तो एक तरीके से सी वाली वैल्यू ही ए सी की वैल्यू होगी, मतलब ए और सी का प्रोडक्ट, ए जिसमें 1 है और सी 30 है, 30। अब क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है तो हमें इसमें से 5 अलग करना होगा, तो जब 30 को 5 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 6, 30 को हम 6 × 5 लिख सकते हैं। अब एक तरीके से समझा जाए तो हमें 6 के टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर 5 आए, क्योंकि ए सी की वैल्यू ये पॉजिटिव है, तो ऐड करने पर ये आने चाहिए। अब निशान कौन से आएंगे दोनों, वो डिपेंड करते हैं बी के निशान के ऊपर। अगर बी पॉजिटिव है तो सारे जो दोनों के दोनों टुकड़े हैं वो भी पॉजिटिव आएंगे, और जो नेक्स्ट कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर बी नेगेटिव है तो सारे के सारे जो टुकड़े हैं वो हमारे नेगेटिव के आएंगे, क्लियर है। तो 6 के टुकड़े करें तो 1 × 6 ऐड करने पर हमें 7 मिल रहा है, हमारे काम का नहीं है। फिर 2 की बार 2 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाए तो वो नंबर है 3, तो 2 × 3 = 6 और ऐड करने पर 5 आ रहा है, तो ये हमारे काम का हुआ, ठीक है। 2 3 दो आगे, अब 2 3 के बाद बात करें हम आगे, तो देखिए 2 × 3 ये टुकड़े आए हैं, और जो एक जो बच गया 6 × 5 = 30, ये 5 मैंने इसके हिसाब से अलग किया था, ठीक है। तो इस 5 को छोड़ देते हैं, तो 2 और 3 साथ में दोनों के हम इसका रूट लगा देंगे, 2 3 और इसका रूट, बोलिए क्लियर है। और x तो साथ में लगेगा ही, इसको मैं लिखूँगा एक्स स्क्वेयर प्लस में 2
ये वाला ले लिया और इसका 5 का रूट 5 ले लिया, इसलिए 5 को अलग किया था, और x तो लगेगा ही। इसी तरीके से 3 लेंगे और इसका रूट 5 और ये x नंबर जो x जो है वेरिएबल ये हम लेंगे, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है 3√5x। तो ये हो गया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सारा काम किया जा रहा है फैक्टराइजेशन को करने के लिए। बोलिए क्लियर है, इतना समझ में आ गया आपको, गुड। अब इन दो के अंदर से हमें ग्रुपिंग करनी है और इन दो में से ग्रुपिंग करनी है, तो आपके पास क्या बच जाएगा? इन दोनों के अंदर से कॉमन जो निकल रहा है वो सिर्फ एक x है, x कॉमन निकल रहा है, तो x कॉमन निकाल दिया। मैं इसको लिखूँगा एक्स स्क्वेयर बाई में x, और दूसरे में भी जो कॉमन निकाला है 2√5x में से x कॉमन निकाला है, तो x मैंने डेनोमिनेटर में कर दिया। डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ। दोनों में 3√5 है वो कॉमन आएगा, तो 3√5x जो टर्म है इसको और इसको, इन दोनों को ही हम डिवाइड करेंगे जो हमने कॉमन निकाला है, और वो कॉमन है 3√5, और 30 के अंदर से भी 3√5 हम कॉमन निकाल रहे हैं। इज दैट क्लियर? गुड। अब आगे तो हमें ब्रैकेट में मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे x से ये एक पावर है, एक कम हो जाएगी तो आपको मिलेगा x, तो मैंने x लिख दिया, इस x से ये x कट गया, बचा सिर्फ 2√5। ओके, अब 3√5 कॉमन निकालने पर यहाँ पर ये दोनों कट गए, हमें सिर्फ x मिलता है ये वाला। नेक्स्ट है प्लस का निशान जो मैंने लगा चुका हूँ, ये वाला यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद 3 से मैं इसको काटूं तो मुझे मिलता है 10। 10 को मैं लिख सकता हूं 2 × 5। इस रूट 5 से 5 को काटे तो 5 को मैं क्या लिखता हूं, 5√5। समझ में आ रहा है आपको? तो एक रूट 5 जो है ये कट जाएगा, बचा 2√5। तो इस प्रकार से आप इसके टुकड़े करेंगे, तो 2√5 है, मैंने ये ले लिया। अब आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट जो है सेम नंबर आ रहा है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया, और अगर नहीं आ रहा तो चेक कर लीजिए आपने गलती कर दी है। x√5 मैंने लिया कॉमन, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ से x√5 कॉमन लेने के बाद ये मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा सिर्फ x, तो ये लिख दिया। अब फिर ये कॉमन लेने के बाद इस पूरी टर्म के अंदर से बचा ये, तो ये 3√5 में कॉमन मतलब ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। ये आपका जो है आंसर हो गया। चेक करें आंसर, क्वेश्चन नंबर जो है 13 का सॉल्यूशन। ओके, तो इसको कॉमन मतलब दूसरी के अंदर खोलते हैं उसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 का सॉल्यूशन के अंदर आप देख रहे हैं दोनों के दोनों जो है ये यही हमारा जो आंसर आया है, 3x+3√5x+2√5। बोले क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्यूशन है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल ओके है। तो इसको मिटा देते हैं और अब जो है हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन। आपको समझ में तो आ रहा है ना? आप कमेंट में कह सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो प्लीज़ आप मुझसे कहिए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो सॉल्यूशन आप करने जा रहे हैं 27 का करेंगे, सॉल्यूशन 27 क्वेश्चन का। तो अब हमारे पास है, ये तो सिंपल है, कोई रूट नहीं है इसके अंदर, 9x² + 18x + 8। अब a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 18, और जो c की वैल्यू है वो है 8। हमें निकालना है ए सी, और वो पॉजिटिव ही है, क्लियरली आपको सामने नज़र आ रहा है। ए सी इक्वल टू 9 × 8 मतलब 72। अब हमें 72 के टुकड़े इस प्रकार से करने हैं कि ऐड करने पर 18 आए। क्यों ऐड करने पर क्यों आए, सब्ट्रैक्ट करने में क्यों नहीं? क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आई है इसलिए ऐसा होगा। तो अब 1 × 72 ऐड करने पर हमें मिल रहा है 73, तो ये हमारे काम का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर ले हम 2 से करें तो 2 × 36 ऐड करने पे आ रहा है 38, हमारे काम का नहीं है। 3 से करें तो 3 से फिर इसको डिवाइड 72 को डिवाइड करें तो
क्या मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए, तो मतलब 3 से हम 72 को डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलता है 3 2 6, 3 4 12, ऐड करने पर आ रहा है 27। हमारे काम का नहीं है कोई भी नंबर, हमारे अब तक हमें हमारे काम का नहीं मिला है। फिर बात आती है 4 की, 4 से करें तो 4 1 4, 4 8 32, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर है 4 के बाद 5 5 से नहीं जाएगा ये, 6 6 6 1 6, 6 2 12, तो ये दोनों को ऐड करने पर 18 आ रहा है। तो ये हमारे काम का है। तो इस तरीके से आपको करने हैं, एक लिमिटेड है ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट आपको ऐसे करता ही रहना पड़ेगा। 6 और 12 जो है हमारे टुकड़े आते हैं, ऐड करने पर तो 18 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 72 आ रहा है। यही तो कंडीशन है फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। तो 9x² प्लस में एक हमारा आया था 6x प्लस दूसरा आया था 12x। आप इसको उल्टा उल्टा लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो अब इन दोनों में कॉमन निकालना है दो दो के अंदर। अब आप क्लियरली देख रहे हैं कि हमारे पास जो 9 और 6 के अंदर कॉमन आ रहा है वो है 3, क्योंकि 3 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है। एक्स स्क्वेयर और एक्स के अंदर से कॉमन आ रहा है एक्स, ठीक है। तो 9x² को हम 3x से डिवाइड करेंगे, इसी तरीके से जो कॉमन निकाला 3x उससे हम 6x को डिवाइड करेंगे। 12 और 8 के अंदर दोनों के दोनों नंबर 6 से डिविजिबल ये है 4 से डिविजिबल, तो 4 जो है कॉमन आएगा। तो 12x बाय में 4 किया और 8 बाय में 4 कर दिया। अब आगे यहाँ 3 से 3 आ गया, 3 से ये 2 आ गया, 4 से ये 3 आ गया, 4 से ये 2 आ गया, 3x लिया कॉमन और हमें मिलता है यहाँ x² से x काट देंगे तो हमें x मिलता है, तो x आया। और यहाँ जो है x से तो x कट गया और ये 2 जो है ये बचा है, बोले क्लियर है। तो 3x प्लस 2, इसी तरीके से कॉमन लेने पर यहाँ 3 बचा, यहाँ x बचा और दूसरी टर्म के अंदर 2 बचा है, तो सेम नंबर आ रहा है, सेम ही जो हमारा अंदर टर्म आ रही है, बाइनोमियल आ रही है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही सॉल्यूशन किया है। 3x प्लस 2 दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इधर बचा 3x और इधर बचा 4, तो इसको हम दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन निकालने के बाद। दूसरी ब्रैकेट में आया 3x प्लस 4, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी कोई 1-2% ही ऐसे केस में गलत आता है, अगर मान लिया यहाँ पर तुक्के से तो कभी सेम आते नहीं है इतने ज़्यादा कि, लेकिन आ गया है अब ये हमारा ठीक है। और फिर भी अगर चेक करना चाहे तो कर लेते हैं, 3x प्लस 2 3x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 17 था क्या, कौन सा था, 23 भूल गया मैं तो, 27 था शायद। 3x प्लस 4 3x प्लस 2 रैंडमली कर रहे हैं ना हम, तो क्वेश्चन नंबर 27 था, यही हमारा जो है आंसर है। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही सिंपल सा है, बस बात ये आ जाती है इसके अंदर कि इसमें ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इसमें क्या है ए जो है वो एक नहीं है। इससे पहले जितने क्वेश्चन आए हैं उन सबके अंदर जो x² का कोफिशियंट मतलब ए की वैल्यू वो 1 ही रही है, अब की बार यहाँ पर 1 से ज़्यादा आया है, बात तो वही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन इसे हमें करना होगा जैसे आप पहले करते आए हैं, बस फर्क जो ये आया है कि ए का कोफिशियंट वो 1 के बजाय कोई और आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर भी वही चीज़ है, हम इसको वैसे ही करने जा रहे हैं, वैसे ही इसको सॉल्यूशन को करेंगे, ठीक है। तो 28 के अंदर 6x² प्लस में 17x प्लस में 12, थोड़ा सा बड़ा नंबर आ गया ये भी, 12 6 72 है, तो ये तो 9 8 72 के अंदर बिल्कुल साफ क्लियरली नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे दिमाग के अंदर एकदम आ गया। फिर भी आप इसको चेक करना चाहो तो पहले तो ए सी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, ए की वैल्यू जो है वो 6 है, बी की वैल्यू 17 है और जो सी की वैल्यू है वो 12 है, तो ये ए बी सी की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 12 जो है वो आया 72, ठीक है। ऊपर जैसे क्वेश्चन था उसमें भी 72 ही आया था, 9 8 72 और यहाँ पे 6 12 72 आ रहा है, तो हमने उसके टुकड़े किए भी थे, किसी में 17 आया भी होगा, नहीं आया तो अब देख लीजिए, तो 1 × 72 नहीं होगा हमारा काम। मैं दोबारा से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बात बैठ जाए,
वन इंटू 72, तो ये 72 आता है और ऐड करने पर हमारा आ रहा है 73, ये हमारे काम का नहीं है। 2 से करें 236,000 होता है 72, मतलब निकालना होगा दूसरा नंबर कैसे आएगा, तो आप 2 से 72 को डिवाइड कीजिए, जो नंबर आए वो यहाँ लिख दीजिए। तो अब 2 मल्टीप्लाई 36 है, 72 बनता है, लेकिन ऐड करने पर 38 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। 3 से करें तो फिर 3 2 6, 3 4 12, ऐड करने में 27 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। 4 से करें तो 18 4 72 होता है, ऐड करने में 22 आ रहा है, हमारे काम का नहीं है। इसी तरीके से 5 से नहीं जाएगा, 6 12 करें तो 18 जो पहले वाले केस में तो हमारे काम का था, लेकिन अभी हमारे काम का नहीं है। 7 से नहीं जा रहा, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 8 8 9 72, ये लास्ट फैक्टर्स है इसके, जो इसके बाद वो ये और नहीं निकलेंगे, रिपीट हो जाएंगे। तो 8 9 72 है और ऐड करने पे हमें 17 मिल रहा है, तो ये हमारा काम का है। तो इस तरीके से आप इसके टुकड़े निकाल करके देख सकते हैं कि आपके काम का कौन सा फैक्टर है। इज़ दैट क्लियर? तो 8 और 9 जो है कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया। 6x² प्लस में 8x प्लस में 9x प्लस में 12, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और दोनों में दोनों ही इवन नंबर है और एक एक्स है, ये कॉमन निकलेगा। इवन नंबर है तो यानी कि 2 इसमें से कॉमन निकलने वाला है, तो 2x मैंने कॉमन लिया, निकाल दिया, जो कॉमन निकाला उसी से हम डिवाइड कर देंगे। और दूसरे के अंदर 8x है, 8x के अंदर से 2x कॉमन निकाले तो 2x से डिवाइड कर देंगे। 9 और 12 के अंदर दोनों ही 3 के मल्टीपल्स है, तो 3 जो है कॉमन निकलेगा और 9x को 3 से डिवाइड कर देंगे और 12 को भी 3 से हम डिवाइड कर देंगे। अब जो कट रहा है वो काट देते हैं, देख रहे हो आपके 2 3 6 और यहाँ से 2 4 8 और x से ही x कट गया और यहाँ पर सिर्फ एक x बचेगा क्योंकि नीचे वाले एक x से वो हट जाएगा। 3 से काटा 3x आया, 3 से काटा 4 आया। अब आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ बचा है एक 3 और इन दोनों से बचा है सिर्फ एक x, क्योंकि नीचे वाले x से ऊपर वाला एक x कट जाएगा, तो 3x बचा और यहाँ पर सिर्फ 4 बचा हुआ है, 3x प्लस 4। बोले क्लियर है? दूसरे के अंदर 3 कॉमन निकालने पर बचा ये 3x है और प्लस का 4 बचा है, तो दोनों तरफ ब्रैकेटों में सेम चीज़ आ रही है, इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक जा रहे हो। 3x प्लस 4 कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों ही के अंदर 3x प्लस 4 आ रहा है, इसलिए 3x प्लस 4 कॉमन लिया। इधर बचा 2x, इधर बचा प्लस का 3, तो 2x प्लस 3 है वो दूसरी ब्रैकेट में आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। फैक्टराइजेशन हो चुकी है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 हम कर चुके हैं और अब करने जा रहे हैं 38, जिसके अंदर ना केवल a जो है वो 1 के अलावा कोई और डिजिट है बल्कि साथ में हमारे पास रूट भी आ गया, तो घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको हम कर लेंगे। ओके, तो चलिए फिर कर ही लेते हैं। सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा, पीछे से भी आप मैच कर सकते हैं, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है। गलती हो तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखिए कि क्या गलती है और इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन अभी हम करने जा रहे हैं। इसमें हमें मिला हुआ है 7x² प्लस में 2√14x प्लस में 2। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a की वैल्यू 7 है, b की वैल्यू 2√14 है और c की वैल्यू 2 है। a c की वैल्यू हमें निकालनी होगी। a c की वैल्यू है 7 × 2, दैट इज़ 14। अब हमें ये रूट 14 है तो रूट 14 को तो हमें अलग निकालना ही होगा, मतलब 14 इसमें से निकालना होगा। 14 में से 14 निकाल दें, क्या बचेगा? 14 बचेगा, सिर्फ 14 बचेगा, नहीं 1 बचेगा। तो 1 है, अब 1 के टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो आए 1 और ऐड करने पर आए 2, तो वो क्या होगा? इसके तो एक ही चीज़ है, 1 1 1, तो दोनों को ऐड करने में 2 आ रहा है ना, तो ये हमारे काम का है। मतलब √14 √14 ही आ जाएगा, 1√14 1√14, समझ में आ रहा है ना आपको? ये इस तरह से इसके टुकड़े करते हैं। तो बताया था मैंने आपको कि 14 को इस प्रकार से करना है, 1 × 14, इसका तो रूट हो जाएगा, राइट, और 1 के टुकड़े किए तो 1 और 1 आ गया, तो इन दोनों के साथ ये हम लगा देंगे, तो मतलब 1 × √14 √14 ही तो होता है, तो इसलिए √14 √14। जैसे यहाँ पर भी हमने किए थे तो हमने टुकड़े किए थे, 3 और 2 का आया था, है ना, 3 5 के जो टुकड़े किए थे हमने बाकी के, तो देख लीजिएगा इसी प्रकार से जो ये चीज़ है आप वीडियो पीछे जा करके कि ये किस प्रकार से टुकड़े पहले वाले क्वेश्चनों में किए होंगे। ओके, अब कुछ गलत बता दूंगा गलती से
तो गलती हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई दिक्कत हो। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसा कि रूट 14 और 7x2 रूट 14x में से एक तो आ रहा है x कॉमन और एक जो है रूट 7 भी कॉमन आ रहा है। ये कैसे आया? आपको पता है कि रूट 14 का मतलब क्या होता है, रूट 7 रूट 2, तो ये होता है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, और 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7। अब इन दोनों के अंदर से रूट 14 और रूट 7 में से ये रूट 7 जो है दोनों में आ रहे हैं, मतलब रूट 14 और 7 में से रूट 7 कॉमन आ रहा है, इसलिए मैं रूट 7 जो है कॉमन निकालूंगा, अंदर बचेगा रूट 7, मतलब क्या बचेगा बाद में कर लेंगे या करें। 7x2 को मैं लिख देता हूँ रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, क्योंकि इससे तो क्या 7 मिल गया ना वापस, x2 बाय में रूट 7, एक x और निकालना था तो x भी कर दिया और यहाँ x कर दिया। अब यहाँ पर रूट 14 को मैं लिख देता हूँ रूट 2 रूट 7, ताकि आपको 6 समझ में आ जाए, और x का x लिख दिया और नीचे जो है रूट 7 एक्स मैंने लिख दिया, जो कॉमन निकाला वो नीचे लिख दिया, दोबारा बता देता हूँ, और जो इस 7 का मैंने लिखा रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7, क्योंकि 7 को ऐसे लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर ही लिख दिया। रूट 14 को मैंने लिखा है रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 7, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमें वापस ये इस प्रकार से रूट 14 मिल जाएगा, और एक्स का एक्स ही लिखा है। बोले क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें फिर वही सी ही कोई चीज़ करनी है। रूट 14 क्या होता है, रूट 2 आ रहा है ना, और 2 के अंदर भी रूट 2 आता है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर भी रूट 2 कॉमन लेने जा रहा हूँ। रूट 14 का मैं लिख रहा हूँ रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 2 और डिवाइड में रूट 2 जो मैंने कॉमन लिया है, और दूसरे के अंदर 2 को मैं लिख रहा हूँ रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 और जो कॉमन लिया वो रूट 2 नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस कम है तो मैंने वो जो है यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब जो सोल्व करें अगर हम, तो आप देखिए एक रूट 7 से ये कट गया, यहाँ से एक्स आ जाएगा, ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमें क्या मिला रूट 7x, दूसरी ब्रैकेट के अंदर रूट 7 मिला, और यहाँ से आपको x मिल जाता है, और यहाँ पर रूट 7 रूट 2 मिला है सिर्फ, ठीक है। ओके, दूसरी ब्रैकेट के अंदर जब आप देखेंगे तो आपने रूट 2 कॉमन निकाला था, तो यहाँ रूट 2 से रूट 2 कट गया, एक x था यहाँ पर वो मैंने नहीं लिखा, यहाँ x लिख देता हूँ, ये रहा ये x मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, अब लिख दिया। तो रूट 7x यहाँ पर भी बचा है, एक रूट 7 ये और एक्स ये, यही तो फ़ायदा होता है कि ब्रैकेट में सेम चीज़ आनी चाहिए। यहाँ रूट 7x आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो मैंने फटाफट से कर दिया कि क्या गलती है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में दोनों में सेम आना चाहिए, रूट 2 से रूट 2 कट गया, तो बचा सिर्फ एक रूट 2, जो बच गया वो यहाँ पर लिख देंगे। अब आप देख पा रहे हैं दोनों में सेम जो चीज़ है वो आ रही है, इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया है। रूट 7x प्लस में रूट 2 दोनों में कॉमन निकाल देंगे, तो यहाँ बचा रूट 7x, यहाँ बचा रूट 2, तो यही चीज़ जो है मैं यहाँ लिख दूंगा रूट 7x प्लस में रूट 2, और ये फैक्टराइजेशन हो गई, कॉन्ग्रेचुलेसन। मतलब ये रूट 7 रूट 2 का स्क्वेयर था, रूट 7x प्लस में रूट 2 का स्क्वेयर यही है, लेकिन डायरेक्टली वैसे समझ में नहीं आती, तो ये ऐसी इस मेथड से हमने इसको कर दिया। तो ये आइडेंटिटी की साथ भी कर सकते हो अगर आपके दिमाग में रहे तो, नहीं तो टेंशन मत लीजिए, इसको हमने ऐसे किया, ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ नहीं इतनी ज़्यादा दिमाग में बात आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन है ये भी हमने कर दिया, आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया है, लेकिन ये फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए जब आप इसके सोल्यूशन को करेंगे, जहाँ भी दिक्कत आएगी आप वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, आपके फ़ायदे के लिए तो है। ये तो मैं तो एक एक वीडियो के लिए एक एक भी बना सकता हूँ, मतलब एक एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो भी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन वो हो जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो, इसके लिए ये चीज़ की गई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, उसका सोल्यूशन करते हैं। 5√5 x² यहाँ प्लस लगाना भूल गया, तो अभी लगा देता हूँ, कहीं माइनस नहीं, माइनस तो नहीं है क्योंकि ये कैटेगरी 1 है। ओके, ये हो गया, ठीक है, 5√5 x² प्लस में, इसको रंग को ही बदल देते हैं, 40 और 2 भी मिल गया आपस में। ओके, तो अब है 5√5 x², ओह ये प्लस मिट गया, क्या कर रहे हैं हम, कंट्रोल वाई,
यहाँ पर ये प्लस का है निशान, ठीक है, ओके, फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वेयर, और साथ में अब बाद में मिट जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पे कमी है, प्लस में 20x प्लस में थ्री रूट फाइव, ए की वैल्यू फाइव रूट फाइव, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू थ्री रूट फाइव है, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी, ए सी मतलब हाँ फाइव रूट फाइव मल्टीप्लाई थ्री रूट फाइव, तो इन दोनों से तो आपको मिल जाएगा फाइव, और फाइव ये है फाइव मल्टीप्लाई थ्री, अरे रे रे बहुत बड़ी नंबर आ गया, तो फाइव है जो 25, थ्री जा 75, तो 75 हमारा जो आ रहा है, अब ऐड करने पर हमें मिलना चाहिए क्या 20 मिलना चाहिए, और जो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलना चाहिए, सब्ट्रैक्ट नहीं मल्टीप्लाई करके हमें 75 मिलना चाहिए, तो इसके टुकड़े करते हैं 75 के, तो वन से स्टार्ट कर देते हैं, बड़ी बात हो जाएगी, दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है 76, हमारे काम का नहीं है, टू से जाएगा नहीं, थ्री से करें अगर इसको, तो थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा थ्री टू जा सिक्स, थ्री फाइव जा 15, हाँ जी, तो ऐड करने में हमें मिल रहा है 28, हमारे काम का ये भी नहीं है। थ्री के बाद बारी आई फोर की, फोर से डिवाइड होता नहीं है, फाइव की बात करें तो फाइव से डिवाइड करें तो 15 × 5 = 75 होता है, दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है 20, तो ये हमारे काम का है, ठीक है, तो ये हमारा जो है यहाँ पर 5 और 15 आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें कोई रूट नहीं हमें लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दो रैशनल नंबर को पॉजिटिव इरैशनल नंबर को जोड़ने पर कोई भी रैशनल नंबर नहीं आएगा, जैसे कि यहाँ पे 20 है, तो दोनों ही रैशनल नंबर होंगे, और वे दोनों के दोनों कौन कौन से है, एक है 5 और एक है 15, दोनों के साथ x ज़रूर लगाना है, तो फाइव रूट फाइव है ये हो गया, और एक एक्स स्क्वेयर है, अब इनमें से क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्मों के अंदर, ओफो ये भी दिक्कत कई बार हो जाती है, क्या करें, नहीं मिट रही, पूरे को मिटाना पड़ेगा, मिटा देते हैं, वर्ड कई बार ना इसे सही से काम करना बंद कर देता है, फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस में इसके टुकड़े किए थे हमने 5x और क्या किया था 15x प्लस में थ्री रूट फाइव, तो दोनों ही नंबरों के अंदर से 5 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 5 इधर भी है और x भी है, तो फिर हम 5x है वो कॉमन ले लेंगे, तो फाइव रूट फाइव एक्स स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे फाइव रूट फाइव से, और दूसरे के अंदर 5x को डिवाइड कर, नहीं फाइव रूट फाइव नहीं, 5x से, हाँ कॉमन हमने 5x लिया ना, तो इसी से डिवाइड करेंगे 5x बाय में 5x, इसी तरीके से दूसरे के अंदर 3 कॉमन आ रहा है और 3 रूट फाइव पूरा ही कॉमन आ रहा है ना, कैसे आप देखेंगे 15 जो है, 15 का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 5, अब क्योंकि हमें रूट फाइव कॉमन नहीं लेना है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो आ गया 3√5 कॉमन, तो 3√5 मैं ऐसी इस प्रकार से कॉमन लूँगा, और इसको उस प्रकार से ही लिख दूँगा, 3√5 कॉमन लेने के बाद 3√5√5, ठीक है, और x डिवाइड में 3√5 कॉमन लिया है दोनों में से, और जो ये इसके बाद वाली टर्म है मैं 3√5 बाय में 3√5 लिख रहा हूँ, तो समझ में आया ना कॉमन कैसे लेना है, बिल्कुल आसान है, थोड़ी सी ट्रिक से काम लीजिए और हो गया सोल्यूशन, जो कॉमन लिया है वो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा, और कॉमन लिया किस प्रकार से है वो मैंने आपको बता ही दिया, इधर जो यहाँ पर तो 3√5 है और यहाँ पर भी 3√5 आएगा, क्योंकि 15 का मतलब है 3 × 5 और 5 का मतलब है √5 × √5, तो 3√5 इधर भी आ रहा है दोनों के अंदर, 3√5 आ रहा है कॉमन, तो 5x कॉमन लिया, यहाँ कट गया x से, ये एक्स स्क्वेयर है ये कट जाएगा, मतलब एक x बच जाएगा, 5 से 5 कटा, तो हमें मिलता है √5x, और दूसरे के अंदर ये पूरा ही कट गया तो 1, और 3√5 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचा 3 और √5 जो है दोनों कट गए √5x, जो कि पहले वाली ब्रैकेट में भी यही चीज़ आई थी, और ये पूरा कट गया तो ये प्लस का 1 बचा, ठीक है, याद रखना कि ये जो है ये इसके ऊपर आगे आएगी, इसके
क्लियर हो गया। अब रूट फाइव एक्स प्लस में वन कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा फाइव एक्स और इधर बचा थ्री रूट फाइव, तो फाइव एक्स प्लस में थ्री रूट फाइव मैंने इधर कॉमन ले दिया, ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 यही है, रूट फाइव एक्स प्लस थ्री, फाइव एक्स प्लस रूट फाइव, फाइव एक्स प्लस थ्री, ओ कहाँ गलती हो गई, रूट एक मिनट, रूट फाइव एक्स प्लस थ्री, मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी इसमें, फाइव एक्स प्लस रूट फाइव, ये दोनों ही आंसर बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप फाइव को रूट फाइव कॉमन ले, यहाँ पर भी तो आ ही सकता है ना कॉमन रूट फाइव, तो रूट फाइव अगर इसमें से कॉमन ले लें आप तो क्या मिलता है, रूट फाइव और रूट फाइव एक्स एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं, पीछे भी इसके अंदर इस प्रकार से ही कर रखा है, रूट फाइव कॉमन लेने पर फाइव में से रूट फाइव कॉमन लिया तो रूट फाइव बचा और एक्स का एक्स है और यहाँ से रूट फाइव चला गया तो थ्री बचा, ठीक है। यही बात जो है अगर क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन करें, यहाँ पे मैंने करके देखा था आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, फाइव और रूट फाइव में से रूट फाइव कॉमन ले लें तो एक में तो बचा आपके पास रूट फाइव एक्स प्लस थ्री और दूसरे में रूट फाइव कॉमन लेने के बाद यहाँ पर आपको जो है मिलेगा क्या, रूट फाइव, ठीक है। करके देखेंगे अगर आप तो यही जो चीज़ है आने वाली है रूट फाइव एक्स प्लस में वन, तो यही जो चीज़ हमारी पीछे आंसर के अंदर भी आई है, रूट फाइव, रूट फाइव एक्स प्लस वन और रूट फाइव एक्स प्लस में थ्री, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। पीछे आंसर में अगर मैच करें तो यहाँ भी थोड़ी बहुत ये गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि अब फिर अब मैंने इसको बिल्कुल ही रैशनलाइज कर दिया, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन कर दिया, तो फाइनल आंसर आप ये समझिए कि ये ही हमारा आंसर है, ठीक है। दोनों के अंदर से इस फाइव में से भी और इस रूट फाइव में से रूट फाइव कॉमन ले लिया और वही चीज़ आंसर के अंदर भी की तो फिर हमें ये चीज़ मिल जाती है। ये तो डिक्टो का डिक्टो रहा, इसमें रूट फाइव कॉमन लेने के बाद ये रूट फाइव एक्स बचा, क्योंकि फाइव में से रूट फाइव कॉमन लेने पर रूट फाइव बचता है, एक्स का एक्स आ गया और रूट फाइव कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा थ्री, तो ये थ्री जो है यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। मैं तो सोचा था कि क्या बात है, लेकिन फिर मल्टीप्लाई करके देखा तो जो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है मल्टी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यही मिल रहा है, और पीछे जो आंसर आर्य शर्मा जी के बुक के मतलब आंसर के अंदर दे रखी है तो वहाँ पर भी यही चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पर भी आंसर सेम ही आ रहा था, फैक्टराइजेशन को दोबारा से मल्टीप्लाई करके हमें यही नंबर मिल रहा था, तो फिर पता किया कि कहाँ गलती है, तो गलती आपको मैं बता चुका हूँ कि भाई दोनों में रूट फाइव कॉमन लेना था, तो एक चीज़ और आनी चाहिए, मुझे लगता है ये आपका आंसर फाइनल होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी इस तरीके से हमने सॉल्यूशन कर लिया है, अब करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, तो हो सकता है इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हो, तो ध्यान रखेंगे हम ताकि ये वाली जो चीज़ है उसमें ना हो। क्वेश्चन नंबर 41 का अभी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। बड़े अच्छे वाले क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं चेस खेल रहा हूँ, मुझे चेस खेलने में बड़ा मज़ा आता है तो उसमें क्या होता है, वैसे ही ये गेम ही तो है, मैथ तो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए कई बार होता है कि नए टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं नहीं समझ में आते, लेकिन फिर बाद में इसको जब उतना जल्दी हम समझ भी जाते हैं और फिर समझा भी सकते हैं तो तब तो कोई दिक्कत होती नहीं है, नहीं तो हो सकता है कि कोई चीज़ एक बार में ना आए तो, लेकिन हर बार नए नए टाइप के क्वेश्चन से आ रहा समझ नहीं, इतने सारे क्वेश्चन बना के दे रखे हैं तो नहीं आते, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से इसको मैं कर पा रहा हूँ कि पहले से बहुत टाइम से करवाता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी कई बार हो जाता है कि नहीं आती चीज़ें, आपको ये लग रहा होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि टीचर्स को भी ऐसी कई चीज़ें होती है जो पहली बारी में नहीं आती है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें करवाते हैं दिमाग में नहीं भी आती, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ आ जाती है या फिर समझने पर आ जाती है। ओके तो छोड़िए इसको, फॉरगेट इट। ए की वैल्यू रूट थ्री आई, बी की वैल्यू टेन आई और सी की वैल्यू एट रूट थ्री आ रही है, हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए सी की वैल्यू को। ए सी की वैल्यू अगर हम निकालें तो ए की वैल्यू है रूट फाइव, नहीं है रूट थ्री, और सी की वैल्यू एट रूट थ्री है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है पॉजिटिव एट और जो रूट थ्री से मिलेगा थ्री, तो मतलब 24। अब 24 की इस प्रकार से टुकड़े करने हैं कि ऐड करने पर 10 आए, तो इसके टुकड़े करें
वन इंटू 24 ऐड करने पे आ रहा है 25, हमारे काम का नहीं है। 2 इंटू 12 ऐड करने पे आ रहा है 14, हमारे काम का नहीं है। 3 इंटू 8 ऐड करने पे आ रहा है 11, हमारे काम का नहीं है। 4 6 24 ऐड करने पे आ रहा है 10, हमारे काम का है। तो ये दो जो दो है ये होंगे वो टुकड़े। समझ में आया आपको? गुड। तो रूट थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में 4x प्लस में 6x प्लस में 8√3, इज दैट क्लियर? दोनों में सिर्फ x को मन आ रहा है ना, इस एक्स स्क्वेयर में से x आ रहा है और x में से x आ रहा है, तो 4√3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए सिर्फ x निकालेंगे और भी लिखेंगे √3x² बाय में रूट जो कॉमन निकाला वो x कॉमन निकाला है, और 4x बाय में x। इन दोनों के अंदर से अब आप देखेंगे कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 में √3 भी आता है। 6 का मतलब क्या हुआ? 2 × 3, और 3 का मतलब क्या हुआ? 2 × √3 × √3, तो √3 जो है इधर भी है और √3 इधर भी है, साथ में 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, 8 के अंदर भी 2 होता है। तो कॉमन निकालेंगे हम 2 और √3, मतलब 2√3 कॉमन निकालेंगे, तो आपको मिलता है 6x की जगह मैं लिख रहा हूँ 2√3√3, तो 6 चीज़ों में मिल जाएगा इसके अंदर, और x और हो गया और 2√3, और 8√3 को मैं लिख रहा हूँ 2 × खिचड़ी पक रही है, चलिए याद कर देते हैं, 2 × 4√3, तो ये 8 हुआ और ये √3 हो गया। समझाने के लिए, दिक्कत ना हो इसके लिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अब देखिए जो कट रहा है वो हम काट देंगे, इसमें एक कट रहा है, एक एक्स हट जाएगा और यहाँ एक्स का हो गया, तो एक्स मिला और दूसरे के अंदर मिला हमें √3x प्लस में 4, 2√3 कॉमन लिया हमने, तो ब्रैकेट के अंदर जो है अब क्या मिल रहा है, ब्रैकेट में ये 2√3 से 2√3 कट गया, √3x और यहाँ पर 2√3 कट गया और 4 बचा है, तो दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक किया। तो √3x जो है प्लस 4 कॉमन लिया और दूसरी ब्रैकेट में आया x प्लस 2√3, तो ये हुआ आपका आंसर, है कि नहीं आसान है ना? तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, पता नहीं ये वीडियो कितना लेंथी हुआ होगा, 30 मिनट से तो ज़्यादा का गया ही होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम दिखाई नहीं दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे आगे के जो ये 6 पार्ट है, और फिर इस एक्सरसाइज के अंदर से इस टाइप के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर एग्जाम्पल्स है वो तो आपके सामने ही है, वो आप इसी तरीके से असाइनमेंट के तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो सोल्यूशन आपके सामने है। बाकी मैं यही चाहता हूँ कि आप इसके सोल्यूशन खुद कीजिए, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। जितना ज़्यादा आप सोल्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ज़्यादा दिमाग वाले बन जाएंगे, और आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, जो बी कैटेगरी है, मतलब ax² - bx + c, ये वाली फॉर्म जो है हम करेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।